पश्चिम मध्य रेलवे पार्किंग एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को डीआरएम ऑफिस पहुंचकर पार्किंग की लाइसेंस फीस के निर्धारण के संबंध में विश्वरंजन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में एसोसिएशन ने मांग रखी कि टिकट बिक्री के आधार पर लाइसेंस फीस का निर्धारण किया जाए और मांग में यह भी कहा गया कि पार्किंग स्टैंडों की भौतिक जाँच की जाए और जाँच के आधार पर शुल्क निर्धारित किया जाए। अभी 2 वर्ष तक मंडल द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिसमें ठेकेदारों को राहत पहुँची हो। हर शिकायत और हर सर्वे पर ठेकेदारों पर पेनल्टी लगा दी जाती है जिससे सभी ठेकेदार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। एसोसिएशन ने पंडित अमित खंपरिया के मार्गदर्शन में वरिष्ठ मंडल प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों के शीघ्र पूरा ना होने पर ठेका छोड़ने की बात कही। मध्य रेलवे के सभी पार्किंग स्कूटर कार के ठेकेदार डीआरएम कार्यालय में सीनियर डीसीएम श्री विश्वरंजन जी से मिले। हम लोग समस्त ठेकेदार और यूनियन विगत 2 वर्ष से संबंधित अधिकारियों से मांग कर रहा है कि हम लोग के पार्किंग स्टैंडों की भौतिक सत्यापन कराया जाए, उसके बाद शुल्क निर्धारित की जाए। लेकिन 2 वर्ष में अभी तक कोई भी यथाउचित कार्यवाही नहीं हुई जिससे ठेकेदारों को राहत मिले। हर शिकायतों पे और हर सर्वे पे हम लोग के ऊपर उल्टा पेनल्टी ठोक दी जाती है जिससे हम समस्त ठेकेदार बहुत क्षुब्ध हैं। आज हम लोग ने आखिरी प्रार्थना, आखिरी आवेदन, आखिरी शिकायत संबंधित अधिकारियों को की है। अगर इसके पश्चात भी हम लोग को राहत नहीं दी जाती तो संपूर्ण संगठन एक मत होकर हम लोग पूरे संपूर्ण पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले पार्किंग और स्कूटर कार के ठेके छोड़ देंगे जिसमें समस्त दायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा।